Hello everyone, today I am going to teach you a very important concept that is labeling. Basically, this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of product and product mix. So, like branding and packaging, labeling is also a very important decision which a manufacturer has to take while producing a particular product. So, in this video, I will teach you about labeling, types of labels, and the functions of labeling and इट्स इम्पॉर्टेंस सो बेसिकली लेबलिंग होता क्या है बट लेबलिंग पढ़ने से पहले आई विल टेल यू वॉट इज़ लेबल सो लेबल कैरीज ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट सो हम लोग ने देखा है कि प्रोडक्ट की जब पैकेजिंग होती है तो पैकेज के ऊपर ढेर सारे इंफॉर्मेश्स लिखे होते हैं प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग जैसे कि प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है प्रोडक्ट कब मैन्यूफैक्चर हुआ है प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं एंड एक्सेट्रा 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 सो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन कैरी होती है उसको हम लेबल बोलते हैं विच मींस लेबलिंग इज अ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन दैट इज बॉन्डेड टू द प्रोडक्ट फॉर रिकॉग्निशन एंड इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सो लेबलिंग इज ऑल अबाउट पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट ओके सो लेबलिंग इज़ द

पर्टिकुलर पिक्चर आपका जो पर्टिकुलर सनस्क्रीन है उसमें आप देख सकते हैं कि ढेर सारे आपको लेबल पे ढेर सारे आपके इंफॉर्मेशन लिखी हुई है सबसे पहले कौन सी ब्रांड का है कितना स्पेक्ट्रम है और कितनी क्वांटिटी है वेट कितना है इसके कैसे यूजेस हैं वार्निंग्स डायरेक्शंस इंग्रेडिएंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन सो इसी को हम लेबलिंग बोलते हैं सो बेसिकली लेबलिंग इज अ मीडियम थ्रू विच ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू कस्टमर्स वाया मैन्युफैक्चरर्स मोर ओवर कस्टमर्स आफ्टर रीडिंग द लेबल्स ऑफ द प्रोडक्ट दे कैन इजली मेक डिसीजन ड्यूरिंग द बाइंग प्रोसेस ऑल्सो एंड दे कैन इजली दे कैन ईजिली रिकोगनाइज वेदर द प्रोडक्ट विल बी एबल टू फिलफिल देयर नीड्स एंड डिमांड्स थ्रू लेबल्स ओनली ओके सो so, लेबलिंग जो है वो हेल्प करता है कस्टमर्स को कि वो पर्टिकुलर लेबल से पढ़ के ये समझ लें कि उन ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो देख रही हैं वो उनकी नीड्स और डिमांड्स को फुलफ़िल करेगा या नहीं करेगा और लेबलिंग जो है हेल्प करता है सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करने में जो कि डिफरेंट ब्रांड्स में भी ईजिली अवेलेबल होते हैं ओके विद दिस वी हैव एनदर कॉन्सेप्ट ऑफ लेबलिंग डैट इज टाइप्स ऑफ लेबल्स सो आपके लेबलिंग के डिफरेंट टाइप्स होते हैं अब फर्स्ट टाइप ऑफ लेबल इज ब्रांड लेबल सो एज द नेम इंडिकेट्स सच लेबल्स आर एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर पॉपुलराइजिंग द ब्रांड नेम ऑफ द प्रोडक्ट तो ये जो ब्रांड लेबल है ये इसलिए लगाया जाता है जिससे कि आपका जो ब्रांड नेम है प्रोडक्ट का वो पॉपुलराइज हो सके ब्रांड इट्स सेल्फ इज एक्सप्रेसड इन लेबल फॉर एग्जाम्पल आपके जो सोप होते हैं उनके ऊपर जो लेबल लगा होता है फॉर एक्जाम्पल लक्स हो गया आपका हमाम हो गया रिक्सोना हो गया गोदरेज हो गया सो so, इन सारे आपके जो सोप्स होते हैं उनपे कार्विंग होती है पर्टिकुलर ब्रांड नेम की मोर ओवर आपके जो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी अपने पर्टिकुलर ब्रांड को उस पर इनकाव कराते हैं ओके सो दिस टाइप ऑफ लेवल इज़ डैट विच इज़ इफ ओनली ब्रांड इज़ यूज ऑन पैकेज ऑफ अ प्रोडक्ट देन इट विल बी टर्म्ड एज ब्रांड लेवल ओके

तरीके से भी स्टैंडर्ड दिए जा सकते हैं या ए बी सी करके भी स्टैंडर्ड ग्रेड दिए जा सकते हैं ओके एंड टाइप ऑफ लेबल इज़ डिस्क्रिप्टिव लेवल सो एज द नेम इंडिकेट डिस्क्रिप्टिव लेवल मीन्स सच अ लेबल एक्सप्लेन वेरियस यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग हाउ टू यूज़ और मेक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो डिस्क्रिप्टिव लेवल में पूरी डिस्क्रिप्शन दी होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड उसके फीचर्स क्या है उसका यूज़ कैसे करना है आपको और डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आपके प्रोडक्ट से रिगार्डिंग दी होती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ लेबल इज़ इन्फॉर्मेटिव लेवल सो एज द नेम सजेस्ट इन्फॉर्मेटिव लेवल वो लेबल होता है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग दी होती है मीन्स सच लेबल्स आर मेंट टू प्रोवाइड मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन and these may contain product characteristics and in addition the method of using it properly. for example आपके जो medicines होते हैं us pe लिखा होता है कि 5 uh, years से बिलो के जो बच्चे हैं उनको मेडिसिन नहीं देना है या अगर आपको मेडिसिन देना है तो किस क्वान्टिटी में देना है क्या टाइमिंग होनी चाहिए उस मेडिसिन को देने की मोर ओवर अगर कोई भी प्रॉब्लम अवकर होती तो आप अपने फिजिशन को दिखा सकते हैं सो so, ऐसी ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जो गिवन होती है वो इन्फॉर्मेटिव लेवल में होती है ओके विद दिस वी हैव अनदर टॉपिक ऑफ लेबलिंग डैट इज फंक्शंस ऑफ लेबलिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो लेबलिंग क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है तो फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय लेबलिंग इज दैट इट डिफाइंस द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि लेबल जो है वो आपको बताता है कि प्रोडक्ट क्या है उसके यूजेस क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मोर ओवर आपके जो प्रोडक्ट है वो बताता है कि आपको क्या क्या कॉशस लेने चाहिए एक प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम सो so, आपका जो लेबलिंग का पहला फंक्शन है वो ये है कि ये प्रोडक्ट के बारे में बताता है और उसमें क्या कंटेंट है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में बताता है फॉर एग्जांपल आपकी रेड लेबल नेचुरल केयर टी जो है ये कम्प्लीटली मेंशन करती है कि इसमें फ़ाइव इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इट ये जो फाइव इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं ओके okay? सो so, इस तरीके के आपके लेबल जो हैं वो होते हैं ओके एन अदर फंक्शन ऑफ लेबलिंग डाट इट हेल्प्स इन रिकोगनाइजिंग ऑफ द प्रोडक्ट सो आपका जो लेबलिंग है वो हेल्प करता है प्रोडक्ट को रिकोगनाइज करने में एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो लेबलिंग है वो हेल्प करता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में फ़ॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई ब्रांड नेम का चॉकलेट है तो मार्केट में एग्जिस्ट करता है तो जाहिर सी बात है आप चॉकलेट प्रिफर करोगे अदर कन्वैक्शनरी आइटम्स अगर अवेलेबल भी होंगे तो भी सो so, आपका जो चॉकलेट का रैपर है उस पर लेबलिंग होती है कि ये डेर मिल्क चॉकलेट है किटकैट है या अदर है सो द ब्रांड नेम ऑफ चॉकलेट विल हेल्प वन चूज़ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कन्वैक्शनरी आइटम्स अवेलेबल ओके सो आपका जो लेबलिंग है वो हेल्प करता है आपके प्रोडक्ट को रिकोगनाइज़ करने में एन अदर फंक्शन ऑफ लेबलिंग डैट इट हेल्प्स इन असॉर्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स मीन्स आपका जो लेबलिंग है वो हेल्प करता है क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग करने में प्रोडक्ट्स की अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज इन द मार्केट सो मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके डिफरेंट कैटेगरीज बना दी जाती हैं और आपका जो लेबलिंग है वो हेल्प करता है इन डिफरेंट कैटेगरीज को क्लासीफाई करने में फ़ॉर एग्जाम्पल आपके शैम्पूस जो हैं वो कैटेगराइज किए जाते हैं एज ड्राई हेयर नॉर्मल हेयर एंड ऑयली हेयर टाइप्स के एंड कस्टमर्स जो है मार्केट में जिनका ड्राई हेयर होता है या नॉर्मल हेयर होता है या ऑयली स्कैल्प होता है सो so वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल ओनली सो आपके अगर बाल ड्राई हैं तो यू विल गो फॉर द शैम्पूज विच हैव लेबल ऑफ ड्राई हेयर ओके एन फंक्शन ऑफ लेबलिंग डैट इट हेल्प्स इन असिस्ट प्रमोशन ऑफ़ द प्रोडक्ट सो आपका जो पर्टिकुलर लेबलिंग है वो हेल्प करता है प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी मीन्स इट गिव्स द कस्टमर द रीजन्स टू परचेज द प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल इट अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर बाई डिस्प्लेइंग मैसेजेस ट्वेंटी परसेंट फ्री और ट्वेंटी एम एल एक्स्ट्रा एंड यू कैन से Uh, आपके पोटैटो चिप्स में आपके मैसेजेस पड़े होते हैं सेव रुपीज़ फिफ्टीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके सो so, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं ओके okay? जिससे कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज डैट इन कंप्लाइंस विद द लॉ सो आपका जो लेबलिंग है उसमें आपके जो भी लेबल्स होते हैं वो स्ट्रिक्टली एवाइड बाय द लॉ होते हैं मींस लॉ में जो भी कुछ बोला जाता है वो उसको फॉलो करते हैं अगर कोई भी चीज़ अगर उनको करनी है लॉ के अकॉर्डिंग सो वहाँ पे वो भी वो पर्टिकुलर लेबलिंग करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टुबैको हो गया देन द लेबल शुड मैंशन टुबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ सेम एज़ अगर आपके सिगरेट्स हो गए देन यू शुड ऑल्सो है सिगरेट शुड ऑल्सो है मैंशन स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ एज द स्टेचरी वार्निंग ऑन एट्स पैकेजेस सो आपके लॉ के अकॉर्डिंग भी आपको लेबलिंग करनी होती है ओके विद दिस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इम्पोर्टेंस ऑफ लेबलिंग सो लेबलिंग आप इम्पॉर्टेंट क्यों होता है सो लेबलिंग इज सिग्निफिकेंट एज इट फेचेस कस्टमर्स अटेंशन टू परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ विजुअल अपील सो एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका जो कस्टमर आपका जो लेबलिंग होता है वो हेल्प करता है कस्टमर की अटेंशन को ग्रैप करने के लिए एज़ ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि कस्टमर डिस्प्ले मैसेजेस में आपके ट्वेंटी परसेंट फ्री फिफ्टी परसेंट एक्स्ट्रा या यू कैन सेव रुपीज़ फिफ्टीन तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट लेबल होते हैं जिससे कि कस्टमर का अटेंशन जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जाता है जिससे कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदे ओके

कस्टमर्स जो हैं वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को एंड लेबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं तो जब वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं दिस मीन्स द प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट ग्रेड्स का है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेबल कंटेंस इसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्पेशली डेट इंफॉर्मेशन विच इज़ कंपल्सरी टू कैरी सो आई होप आपको क्लियर हो गया है लेबलिंग होता क्या है एंड प्लीज़ गो थ्रू योर Book, read it from there, and if you still have any query, any doubt regarding this particular concept, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with the friends, and subscribe to my channel. Okay, thank you.